सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आज सावित्री बाई का की जयंती है और वो बहुत अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है, ऐसी शख्सियत जिनके पति को ज्योतिबा फुले को और सावित्री बाई को दोनों को अंबेडकर साहब अपना आदर्श मानते थे, डॉक्टर अंबेडकर, और मैं समझती हूँ कि वो बहुत बड़ी व्यक्तित्व है। आज अगर हम सब महिलाएं हैं, एम्पावरमेंट है वुमन का, तो उन्हीं की वजह से है, क्योंकि उन्हीं ने, सावित्री बाई ने शिक्षण महिलाओं के लिए उनको शिक्षित किया, सबसे पहले महिला का स्कूल बनाया। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमें आज जो हम ये प्रोग्राम महिला कांग्रेस ने आयोजित किया है, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी वर्षा ताई ने भी आज कैबिनेट की मिनिस्टर बनी है, और बहुत अच्छे दिन पे इन्होंने मतलब चार्ज संभाला है। तो हम सब की दुआएं और सब की हम सब चाहते हैं कि महाराष्ट्र का भला हो, बहुत अच्छा हो, और देश भर में जो कोराम आज के दिन पर मचा है, ये CAA, NRC और ये सब चीज़ों को लेके, NRH को लेके, मैं समझती हूँ कि NPR को लेके, मैं समझती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को भगवान सद्बुद्धि दे, जल्दी से समझाए कि ये सब चीज़ जो है ये देश को बांटने का काम है, और देश में जो हमारे भाईचारा का माहौल है उसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स रास्ते पर हर जगह निकले हैं, यहाँ पर भी 8 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, महाराष्ट्र सरकार भी कर रही है, हमने भी कहा है कि महाराष्ट्र बंद होगा 8 तारीख को, और क्योंकि ये आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है, खास करके महिलाओं का उत्सुकता है, क्योंकि सावित्री जी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी शख्सियत है, तो खुशी की बात है। लेकिन दिल में एक मलाल है NRC को लेके और बाकी ये CAA को लेके। तो अगर प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ये भी ठीक कर दें, गृह मंत्री, तो बहुत अच्छा होगा, हम सब बहुत उल्लासित होंगे, खुशी से एक किस्म का पर्व मनाएंगे। तो हम सब उनको सद्बुद्धि देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं।